हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है वेडनेसडे और अभी दोपहर के 3 बजे हैं। सो सिया और भूमि दोनों को मैंने सुलाया है अभी, और सिया का स्कूल नहीं था। सो वेडनेसडे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है मेरे लिए। सिया का स्कूल मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को होता है 12:30 से 2:30 बजे तक। आप लोग कई बार पूछते हो इसलिए एक बार फिर से बता रही हूँ। और अभी लास्ट जो मैंने व्लॉग शेयर किया था उसमें आपसे शेयर किया ही था कि हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग शॉपिंग करने गए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ बच्चों ने लेने नहीं दिया। थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं मैंने, और वीडियो की हेडिंग देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर डे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक्चुअली सिया का बर्थडे आने वाला है। सिया का बर्थडे है मार्च 9 को। सो वो 4 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी ना मार्च 9 को। और इस बार हम लोग सिया का बर्थडे ना कहीं बाहर प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगी आगे कि कहाँ प्लान कर रहे हैं। तो सिया का बहुत मन था कि उसका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट हो। ऑल्सो मुझे ना 8 से 10 लोगों का तो खाना वाना वो सब मैं बना लेती हूँ, लेकिन उससे थोड़े ज़्यादा लोग हो रहे थे। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों हो गए थे तो इतना लोगों का मैं नहीं बना पाती। प्लस अगर हम बाहर से ऑर्डर करते, सब लोगों को घर पे बुलाती, तो इतना इन्जॉय नहीं हो पाता बच्चों बच्चों को, स्पेशली सिया को नहीं हो पाता इन्जॉय। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार हम कहीं बाहर प्लान करते हैं। तो ये सेकेंड टाइम है हम जब सिया का बर्थडे बाहर प्लान कर रहे हैं। जब सिया का बर्थ हुआ था तो जब वो 1 मंथ की हो गई थी, तो हमने उसकी 1 मंथ की बर्थडे पार्टी जो है एक बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज की थी। ऑल्सो जैसे ही हम लास्ट वीक जो है वो शॉपिंग वगैरह करके आए, उसके अगले ही दिन से इतनी सारी ना न्यूज़ मिल रही हैं US में कोरोना वायरस के केसेस की। ऑल्सो मेरा होम टाउन आगरा है, तो आगरा से भी कुछ 1 या 2 लोग हैं जिनको डिटेक्ट हुआ है कोरोना वायरस। तो आई वॉज़ रियली वरिड, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और स्पेशली यू नो वॉट कि मेरे जो पापा हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो मेरे पापा ना एक हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की तरह जॉब करते हैं। सो इट्स रियली रिस्की फॉर हिम। तो हमने उनको काफ़ी बोला है कि आप हमेशा अपने हाथों को वॉश करते रहिए और मतलब मास्क वगैरह पहनिए, तो काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो। और यही सब चीज़ें, मतलब सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था यार, सब कुछ इतना रिलैक्स अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से कहाँ से बीमारियाँ निकल के आ जाती हैं। सो इट इज़ सो रिस्की। अब तो स्टोर वगैरह जाने में भी ना ऐसा लगता है। तो अभी कल हम लोग कॉस्को गए थे क्योंकि सिया के बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही हैं, तो कुछ कुछ सामान लेने जाना ही पड़ता है। मतलब वैसे तो न्यूज़ में ना सब जगह आ ही रहा है कि आप लोग देख ही रहे हो कैंट कैसे करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या मेजर्स लेने हैं, वी ऑल नो। और गूगल पे भी सारी अपडेट्स वगैरह मिल ही रही हैं कहाँ पे कौन कौन से केसेस मिले हैं। तो यही है कि हम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएँ, मास गैदरिंग्स को जो है वो अवॉइड करें। तो इसीलिए मैं ना जिम भी नहीं जा रही हूँ कई दिनों से, क्योंकि यू नो जिम एक क्लोज स्पेस की तरह हो जाता है, काफ़ी लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं। और सिया का बर्थडे है तो हम लोगों ने ना 9 मार्च को है सिया का बर्थडे, उस दिन तो मंडे है, तो हमने उसके बर्थडे की पार्टी एक दिन प्री पे रखी है। तो हमने 8 मार्च को उसके बर्थडे की पार्टी रखी है। तो उसकी सारी बर्थडे की प्रिपरेशन की तैयारियां हो गई हैं, रिटर्न गिफ्ट्स ले आई हूँ मैं, और स्कूल के लिए जो वो बनाते हैं ना गुडी बैग्स काइंड ऑफ, तो उनका सारा सामान ले आई हूँ। बस मुझे एक दिन बैठ के सारा डालना है सब। वी आर रियली हैप्पी कि सिया 4 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मुझे आज भी याद है जब सिया हुई थी, कितनी जल्दी टाइम निकल गया। और काफ़ी सारे ना इधर उधर से जैसे नेगेटिव अपडेट, नेगेटिव न्यूज़ सी मिलती है ना हर जगह से, ये हो रहा है ये हो रहा है, तो मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को बिजी रखो और क्या। मतलब मेरे को भी ना कल काफ़ी वो लग रहा था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मेरी फ्रेंड है ना शिल्पी जी, जिनके घर हम लोग चाय पीने के लिए गए थे, तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया। तो हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कल हम लोग जब सिया के बर्थडे का कुछ कुछ सामान लेने के लिए गए थे ना कॉस्को, तो वहां पे हमने देखा मतलब यू नो राइस के सारे पैकेट्स गायब हैं, पेपर टॉवल्स, टॉयलेट पेपर सब गायब है। मतलब मैं तो समझ रही थी यार ऐसे ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब देखा ना अपनी आंखों से सब गायब था। पहले तो मैं सोच रही थी ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं कि देखो सारा कैसे गायब है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरा दिमाग सा खराब हो गया थोड़ा सा ना, हर जगह से इतनी सारी न्यूज सुनने को मिली, तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाऊं। तो बस यही है कि हम सब सेफ रहें और जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो फॉलो करें। तो वैसे सबको पता ही है, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो फिर से शेयर कर देती हूँ मैं। एक तो अपने हाथ जब भी कहीं बाहर से आएँ खाना खाने से पहले, या फिर फ्रीक्वेंटली अपने हाथ जो हैं वो धोते रहें, साबुन से रब करते हुए चारों तरफ से अपने हाथ धोएं, और सैनिटाइज़र रखें अपने पास अगर हाथ धोने की मतलब नहीं हो, पॉसिबल नहीं है हर बार हाथ धोना, तो सैनिटाइज़ करते रहें अपने हाथों को। और अभी ना सैनिटाइज़र एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इनफैक्ट हम सैनिटाइज़र भी ढूंढ रहे थे हमें नहीं मिला। मेरे पास ना
जो एंटीबैक्टीरियल वाइप्स होती है ना वो रखी हैं, तो अगर सैनिटाइजर भी नहीं है तो जो भी एंटीबैक्टीरियल चीज़ है एटलीस्ट उससे आप अपना हाथ एक बार वाइप कर लें। पैनिक ना करें कि सैनिटाइजर्स ख़त्म हो गए तो क्या होगा। ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी फॉलो करें, और अगर कोई स्नीजिंग कर रहा है या फिर कफ कोल्ड है उससे थोड़ा सा दूर रहें, अवॉइड करें उस पर्सन को, और ये सारी चीज़ें हैं, और हम सब बस सेफ रहें, यही है यार। ये सब ना बस ठीक हो जाए अच्छे से, और समर आने वाली है तो हम समर अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, और ये सब वायरस वायरस ना स्प्रेड ना हो, बस आई होप सो। और मैं आप लोगों को ये तो बताना भूल ही गई कि सिया का बर्थडे हम लोग कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने ना चक्की चीज़ में उसका बर्थडे जो है वो प्लान किया है। सिया को एक दो बार चक्की चीज़ में बर्थडे पार्टी के लिए लेके गए, और वहाँ पे ना जैसे सेलिब्रेट कराते हैं चक्की चीज़ ऐसे करके ना, तो सिया मेरे से बोल भी रही थी मम्मा मेरा बर्थडे भी ऐसे करेंगे ना। तो मतलब मैंने सोचा कि यार उसका वहीं कराते हैं, क्योंकि और भी पार्टी प्लेसेस के बारे में सिया को इतना पता नहीं है, जो बच्चे को जो पता है और उसका मन है उसी में, तो बहुत एक्साइटेड है। और तो बच्चों को खुश देख के ना खुद को भी बहुत खुशी मिलती है सीरियसली। तो इसलिए आप लोगों से ना थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा था। सो यू ऑल आर लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और इस सोसाइटी में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बट इस सोसाइटी में स्पेशली जब से बच्चे हुए हैं उसके बाद से ना मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग और ज़्यादा शुरू कर दिया है करना। क्यों? क्योंकि बच्चों के बाद जैसे बच्चों का ध्यान रखते रखते ना मुझे लगता है यार मैं किससे बात करूं। सो आई हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ यू ऑल, तो मैं आप सब लोगों से बात करती हूँ, और आप लोगों से बात करके अब मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी, और डेफिनेटली अपडेटेड रखें अपने आप को। तो मैंने ना थोड़ी सी ये जो सफाई है ये करी थी, सिया सोने से पहले थोड़ी राइम्स देख रही थी, तो सिया ने और मैंने मिलके घर साफ किया था। ट्रस्ट मी, अगर घर भी थोड़ा साफ हो ना तो भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है दिमाग को, नहीं तो ये बच्चे इतना फैला के रखते हैं, मेरी सिया इतना फैलाती है, ओ गॉड, कदम रखने की जगह नहीं होती, इतना फैला रहता है। लेकिन जब कमरा साफ हो जाता है ना इतना रिलैक्स लगता है। अब ये दोनों सो रहे हैं, लिविंग एरिया एकदम साफ है, और मैं आराम से इधर उधर डोल रही हूँ, कहीं बैठ भी सकती हूँ, इट इज़ सो पीसफुल रियली। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि मेरा मेन जो काम रहता है ना पहले मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि कुकिंग मेरा मेन काम है। सिया भूमि को आज नहलाना भी था, मैंने आप लोगों को बताया था ना मैं ऑल्टरनेट डेज पे नहलाती हूँ, तो आज नहलाना था, कल सिया का स्कूल है, कल नहीं होगा नहलाने के लिए। तो जब तक विंटर्स हैं ये ऑल्टरनेट डेज वाला मैं फॉलो कर सकती हूँ, और जब विंटर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो समर आएगी, तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी नहला दिया करूँगी दोनों दिन ही। और एक सब्सक्राइबर है वो पूछ रही थी कि उनको फ़ोटो फ्रेम्स काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं इसको दिखा दूँ, तो मुझे बिल्कुल भी दिमाग से ही निकल जाता है, तो मैं कैमरा एक बार रोटेट करके आपको फ़ोटो फ्रेम्स दिखा देती हूँ। ऑल्सो मैं बता भी दूंगी कौन सा कप का है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली फ़ोटो, ये पिक्चर देख रहे हो ना आप, ये वाली। तो ये मैं US आई थी, तो US आने के विद इन 1 वीक पुष्पेन ने मुझे शिकागो पूरा घुमा रहे थे, सिटी पास लिया था उन्होंने, तो उसी की पिक्चर्स हैं ये। एक ये है शेड एक्वेरियम की, एक ये है, उस टाइम पे ना मैं बहुत पतली थी, और ये है नायग्रा फॉल्स की। मेरे US आने के बाद सितंबर के आसपास पुष्पेन मुझे नायग्रा फॉल्स लेके गए थे। ऑल्सो यहाँ पे हैं कुछ पिक्चर्स, जल्दी से दिखा देती हूँ। तो ये वहीं की पिक्चर्स हैं शेड एक्वेरियम वगैरह की, सिया की कुछ पिक्चर्स हैं। ये मेरा बेबी शावर हुआ था, तो वैसे हमारे यहाँ बेबी शावर होता नहीं है, लेकिन पुष्पेंद्र बहुत ही कूल हैं, मतलब होता नहीं है तो क्या हुआ, अमेरिका में रह रहे हैं, क्रिसमस भी तो सेलिब्रेट करते ही हैं, तो बेबी शावर सेलिब्रेट करने में क्या है। तो नॉर्मल सा बेबी शावर हुआ था, केक कटिंग एंड ऑल उसकी है, और भूमि के टाइम पर भी मेरा बेबी शावर हुआ था, पिक्चर्स हैं पर व्लॉग नहीं बन पाया था। ये हम लोग हार्ले डेविडसन म्यूजियम गए थे, ऑल्सो ये भी तभी की है जब मैं शादी के बाद US आई थी, विद इन 1 or 2 वीक पुष्पेंद्र मुझे घुमाने ले गए थे। तो देखिए कितनी पतली थी मैं, एकदम ही चेंज हो जाती है ना बॉडी आफ्टर बिकमिंग अ मदर। और ये वाली बीच वाली फ़ोटो जो है ये फर्स्ट दिवाली की है, सिया होने के बाद सिया की फर्स्ट दिवाली थी, तो सिया बहुत ही क्रैंकी हो रही थी, मैंने उसे फ्रॉक व्रॉक पहनाई थी लेकिन बहुत उसको ना दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने उसे कम्फर्टेबल कपड़े ही पहनाए थे। तो मैं और पुष्पेंद्र थोड़े से सजे हुए दिख रहे हैं, बट सिया जो है वो एकदम नॉर्मल ही है, क्योंकि बच्चे ना परेशान हो जाते हैं ऐसे डेकोरेटिव ड्रेसेस में। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, कल ना मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई थी, आज क्या हुआ कोई भी तैयारी नहीं थी, ना तो आटा मड़ा हुआ रखा था ना सब्जी बनी हुई रखी थी, तो मैंने फटाफट से ना आलू टमाटर छोंक दिए कुकर में डाल के, और फटाफट आटा माड़ा। पुष्पेंद्र आया ना जब लंच करने के लिए, पुष्पेंद्र ने भूमि को पकड़ा और फिर मैंने आटा माड़ा, क्योंकि भूमि आज बहुत रो रही थी।
ऐसे करते हैं कभी कभी बच्चे, इसीलिए मैं पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी रखती हूँ। दो छोटे बच्चे हैं यार, अकेली हूँ मैं घर में मैनेज करने वाली, तो ऐसे ही होता है। अब मैंने जब आटा माड़ा ना, पुष्पेंद्र आई तो मैंने बहुत ज़्यादा माड़ लिया आटा, अभी भी रखा हुआ, देखो आपको दिखाती हूँ। ये रहा मैंने लंच के लिए भी माड़ा और डिनर के लिए भी हो जाएगा, इसको मैंने ढक दिया है। अभी मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, डिनर हमारा जल्दी ही होता है, फिर फ्रिज में एकदम टाइट हो जाता है। तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी, एक बार आपको दिखा दूंगी क्या प्रिपरेशन की, और उसके बाद ना मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं जिम नहीं जा रही हूँ ना, आजकल मैं रोज़ शाम को चाय पी रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ यार, कल से या परसों से जब भी टाइम मिले मैं ना योगा करूँ कुछ, क्योंकि एक तो ये जिम विम भी नहीं हो पा रही है, और मुझे आपसे ना ये भी शेयर करना है कि मैंने थोड़ा सा वेट रिड्यूस किया है, कितना किया है वो भी मुझे आपसे शेयर करना था, और मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं शेयर करूँ। पता है मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, इनफैक्ट आप लोग इतनी सजेशंस देते हैं, पर वही है कि जो मेन प्रायोरिटी है वो तो बच्चे ही हैं, इसलिए मैं बहुत रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ। कई सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि उन्हें मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना अप्रिशिएट करते हो यार, सीरियसली। और मैं रेगुलर इसीलिए वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ यार, क्योंकि बच्चों का मेन रहता है देखने का, कई बार बच्चे ज़्यादा तंग कर लेते हैं तो इसलिए नहीं डाल पाती हैं। कई बार होती है कोई वीडियो तो धीरे धीरे पार्ट्स में उसे मैं एडिट कर लेती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके हो जाता है, इसीलिए ना मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं ना कि उनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल है हर ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर वीक में 3 बार है, ऐसे मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी वीडियो ना संडे को रात को एडिट हो गई ना, मैं तो संडे को रात को ही अपलोड कर देती हूँ, मेरा ऐसा है। क्योंकि मेरी कभी कभी वीडियो ढंग से बन पाती है, कभी मतलब कई दिनों तक बनती नहीं है, तो मेरी जब वीडियो बन जाए, जब एडिट हो जाए, मैं उसे तभी पब्लिश कर देती हूँ, मेरा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है इसी वजह से। और मैं सबसे पहले पालक थोड़ा सा स्टीम करने के लिए रख रही हूँ। मैंने इसमें से ना आधा पैकेट ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो आधा पैकेट बचा है, तो मैं सारा इकट्ठा स्टीम करके इसको प्योरे बना के रख लूँगी। तो सब्जी बना लो या फिर पराठे के लिए आटा मार लो, उसमें काम आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और जो हैं प्रिपेयर करने के लिए रखी हैं। कद्दू कट करके रख लूँगी मैं, गोभी के फ्लोरेट्स कट करके रख लूँगी, ऑल्सो फिर से बीन्स लेकर आए हैं देखिए, तो बीन्स जो हैं इन्हें धो के फाइन चॉप करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना कद्दू सबसे पहले कट कर लिया है, एक तो ये बड़े वाले बोल में डाल लिया है, और थोड़ा सा और बच रहा था तो इसमें डाल लिया है। तो पाव भाजी वाले ब्रेड लेकर आई थी मैं, पाव भाजी बनाने का प्लान है, देखते हैं, तो मैंने ये अलग से कट करके रख लिया है, तो इसको रखती हूँ पहले मैं। और मैंने गोभी के फ्लोरेट्स भी कट कर लिए हैं, तो ये सब चीज़ें कर ली हैं। बीन्स भी मैंने निकाली थी, लेकिन मैंने बीन्स रख दी हैं अब, क्योंकि कई चीज़ें हो जाएंगी तो फिर बीन्स ख़राब ना हो जाएं, तो अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ। पालक भी प्यूरी बनाना है, 2-3 चीज़ें प्रिपेयर्ड हो गई, फिर बीन्स अगर यूज़ नहीं हो पाई, वीकेंड भी आने वाला है, तो वीकेंड पे कुछ प्लान्स हैं, सिया का बर्थडे भी है वीकेंड पे, एक फ्रेंड के यहाँ भी जाना है, इस वजह से अभी बीन्स मैंने वापस उठा के रख दी हैं। और साथ में मैं पास्ता भी बॉईल कर रही हूँ, तो मैंने कुकर में पास्ता ले लिया है, इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सॉल्ट डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल, और इसे एक विसल लगा लूंगी, बस एक विसल लगानी है, नहीं तो बहुत ओवर बॉयल हो जाएगा। उसके बाद गैस बंद कर देनी है, और इसकी जैसी विसल खुलेगी इसको ड्रेन करके ठंडे पानी में वो करके वॉश, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ता रेडी, क्योंकि कल थर्सडे है, थर्सडे को मैं पास्ता बनाती हूँ, तो ये काम भी हो जाएगा। और सिर्फ मुझे ना 35 या 40 मिनट्स ही हुए हैं मेरी, ऑलमोस्ट काफ़ी तैयारी हो गई है, बस को ठंडा हो जाए, इसका प्यूरी बनाना है, पास्ता बॉयल हो जाएगा, और मुझे एक शिमला मिर्च भी कट करके रखनी है कल के पास्ते के लिए। और काफ़ी लोग ऐसे ना ग्रेवी बना के भी रखते हैं ग्लास जार में, कि ग्रेवी इस सब्जी के लिए, सब्जी के लिए, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर फ्यूचर में देखूंगी मैं इस तरह से ट्राई करके, जैसे कोई सब्जी है उसके लिए ग्रेवी वगैरह बना के रख दी, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। हर कोई अपने अपने तरीके से ना मील को प्लान करता है। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च काट रही हूँ फटाफट से, ये रही, एक मिनट। तो मैं शिमला मिर्च थोड़ी सी कट करके रख रही हूँ, एक शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को मैंने वॉश कर लिया है, तो क्योंकि कल ही मैं इसको यूज़ कर लूँगी, तो मैं इसे वॉश करके ही कट कर रही हूँ, यहाँ पे पेपर टॉवल लगा लूँगी, तो ये हमारे कल के पास्ते के लिए यूज़ हो जाएगी फिर इस वजह से। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैंने ना ब्लैक चने सोक किए हैं, क्योंकि कई बार से ना राजमा बन जा रहे थे, छोले बन जा रहे थे, ब्लैक चने मेरे डब्बे में भरे हुए रखे थे, तो कभी मुझे लगता है ना यार ये चीज़ तो काफ़ी दिनों में नहीं बनी, तो मैं उसी को निकाल के भिगो देती हूँ, एक बार भिगो दो फिर तो आप बना ही लोगे। और ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली, धनिया जो है वो रिसेंटली ग्रोसरी लाए थे, तो धनिया काफ़ी साफ है, तो इसलिए मैं अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, जब मुझे लगेगा थोड़ा ख़राब हो रहा है तो अब मैं साफ साफ पत्ते निकाल दूंगी, अभी तो एकदम फ्रेश धनिया है, तो अभी मैं 1-2 दिन ऐसे यूज़ कर लूँगी। और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बोल रहे थे कि स्टेम जो है धनिया का वो नहीं हटाना चाहिए,
तो थैंक यू सो मच फॉर एडवाइजिंग मी, और मैं अब डेफिनेटली स्टेम जो है वो नहीं हटाऊंगी, तो हमेशा मैं इंक्लूड करूंगी। सिया भी जग के आ गई, अब लेट जाओ उधर सोफे में, लेट जाओ, मम्मा भी आ गई। आज और पास्ता मैंने ये वाला यूज़ कर रही हूँ इसमें ना बॉईल करने के लिए, कि कॉस्को से बड़ा सा पैकेट आता है वो पिक किया था, काफ़ी दिन चल जाता है, उसमें अलग अलग तरह के 2-3 तरह के पास्ता रहते हैं। तो हम आपको मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें कॉस्को की मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग कॉस्को से काफ़ी शॉपिंग करते हैं, हमने कॉस्को का क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है, क्योंकि हम लोग इतनी शॉपिंग करते हैं तो हमें एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर रिटर्न्स भी काफ़ी मिलते हैं, मोस्टली शॉपिंग कॉस्को से ही होती है, इसलिए तो वहाँ का क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है। और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं कोई और तैयारी नहीं कर रही हूँ, बस डिश वॉशर में बर्तन डालने हैं तो वो कर रही हूँ। तो मेरा डिश वॉशर का ऐसा है, मेरा डिश वॉशर जब फिल हो जाता है मैं उसे तब चला देती हूँ, चाहे वो 2 बार भी चल जाए तो भी मैं चलाती हूँ, क्योंकि यार मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरा काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाता है अगर मैं डिश वॉशर यूज़ करती हूँ। तो अगर मुझे दिन में 2 बार भी चलाना पड़े, आई डोंट केयर, मैं चलाती हूँ डिश वॉशर, बहुत टाइम सेव होता है। मैंने काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर ली है, बस पास्ता की सीटी जो है वो खुल जाएगी तो उसको ड्रेन करके उसको एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी ठंडा करने के बाद, और उसको प्यूरी बना के रख दूँगी। तो ये सारा हो गया, अब मुझे थोड़ी सी ना भूख सी लग रही है, 4 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और डिश वॉशर में सारे बर्तन लगा दिए हैं, ये सब हो गया है। तो मैं ये वाला एक नट्स का पैकेट है ये खा लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने प्यूरे भी बना दिया है, ठंडा हो गया था पालक तो पालक का प्यूरे बना दिया है, और इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ किसी में। सो पालक की प्यूरी जो है वो मैंने इस वाले बॉक्स में डाल दी है, ये और कुछ पुष्पेंद्र आएंगे अराउंड 5 बजे के आसपास, 5:15 तक आ जाएंगे, तो मैं तभी चाय बनाऊंगी, और चाय के बाद फिर मैं ब्लॉग एंड करूंगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो। तो आई होप कि सब ठीक रहे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो चाय पीते हैं, उसके बाद ये ब्लॉग एंड करते हैं फिर। Open up.